दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप खुद का होटल खोल सकते हैं और होटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आप बड़ी होटल में नौकरी कैसे ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट क्या है और इसका कोर्स कैसे करें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो होटल मैनेजमेंट में अपना भविष्य बनाने का सपना देखते हैं। आज नौकरी करने के कई रास्ते हैं, लेकिन उसका सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन होना जरूरी है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर आप किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। होटल मैनेजमेंट का कोर्स आज के टाइम पर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किसी कोर्स को करने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप उसमें पास हो सकते हैं। अगर आपकी भी होटल मैनेजमेंट में रुचि है तो यह कोर्स करके आप अपना सफल भविष्य बना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट क्या है। तो दोस्तों, होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है होटल को सही तरह से मैनेज करना, यानी कि होटल के सभी कामों को अच्छी तरह से संचालित करना ही होटल मैनेजमेंट होता है। दोस्तों, इसके अंदर वो सभी कार्य आ जाते हैं जिससे होटल को सही तरह से चलाया जा सके। कोर्स पूरा हो जाने के बाद इसमें आपको नौकरी के लिए बहुत से अवसर भी मिलते हैं। इस कोर्स को करने के बाद इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। आप इंडिया से बाहर भी इसमें जॉब कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में आपको होटल से रिलेटेड ही जॉब मिलती है। दोस्तों, इसमें कई तरह के काम शामिल किए जाते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस देना या फिर होटल बुकिंग, हॉस्पिटैलिटी और इवेंट मैनेजमेंट। ये सब कुछ होटल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोर्स कितने साल का होता है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोर्स का समय कॉलेज और डिग्री के अनुसार होता है। अगर स्टूडेंट डिग्री के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो कोर्स की अवधि 3 से 4 साल तक की होती है, और अगर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से ये अवधि 18 से 24 महीने तक की हो सकती है, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के लिए ये 6 से 18 महीने तक की अवधि इसमें होती है। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत से कोर्स उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको उन टॉप 4 कोर्स के बारे में आज बताता हूँ जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करियर बनाते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो कोर्स है वो है दोस्तों बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का। दोस्तों, ये कोर्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इन 8 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स की थ्योरेटिक और प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट को होटल के साथ टूरिज्म मैनेजमेंट की भी अच्छी जानकारी हो जाती है। दोस्तों, स्टूडेंट 12th पास होना चाहिए अगर ये वो कोर्स करना चाहता है तो, और इसके परसेंटेज इंस्टीट्यूट के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन ये लगभग 45% से लेकर 50% तक होते हैं। यानी अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का, तो आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब दोस्तों, दूसरे कोर्स की बात कर लेते हैं जो कि है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का। दोस्तों, अगर आप बैचलर कोर्स करके 4 साल का समय नहीं दे सकते हो तो इसके लिए डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस कोर्स की अवधि सिर्फ 1 साल की ही होती है। दोस्तों, इस कोर्स को आप 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी 12th पास है वो कर सकते हैं। साथ ही इस कोर्स को 10th पास स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट पर भी निर्भर करता है कि आप उस इंस्टीट्यूट में 10th के बाद कर सकते हो या 12th के बाद। अब दोस्तों, हम बात करते हैं बैचलर साइंस इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग के कोर्स के बारे में, जो कि है हमारा 3rd मॉडल। दोस्तों, इस कोर्स का समय यानी कि अवधि 3 साल की होती है। अगर आपके पास 3 साल तक का समय है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। दोस्तों, ये कोर्स करने के लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है, और 4 सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए अगर आप बैचलर साइंस इन होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे और सबसे आखिरी कोर्स के बारे में, जो कि है BBA इन होटल मैनेजमेंट का। दोस्तों ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप अपनी मैनेजमेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हैं तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए भी आपको 50% मार्क के साथ 12th पास होना चाहिए, यही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोर्स की फीस कितनी होती है, क्योंकि आपको फीस का पता चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो तो आपकी फ़ीस 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है। और अगर आप सरकारी कॉलेज से यह कोर्स कर रहे हो तो होटल मैनेजमेंट की फ़ीस 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आप इसकी परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी पर पूरा ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इस विषय पर आप अच्छे से तैयारी कर लें। और 10th और 12th की अंग्रेजी ग्रामर पर भी आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आता है। दोस्तों इसमें आपसे रिजॉइनिंग के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ में पुजल के प्रश्न भी ज़्यादा आप अभ्यास करें, क्योंकि ये भी इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ गणित के विषय में कैलकुलेशन एंड अप्रोक्सीमेट की टेक्निक का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। और रोज़ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर की मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल और साइंटिफिक एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए 10th की एनसेट की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे आप होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हो। अगर आप कोर्स पूरा फॉलो करोगे और कोर्स अगर करोगे तो आपको सारी बातें वो लोग बताएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों इसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो हम जान लेते हैं कि इसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पद के अनुसार सैलरी अलग अलग मिलती है। जितनी आपका जो आपका पद है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लें तो अगर कोई जनरल मैनेजर होता है होटल में तो उसकी सैलरी 20,00,000 रुपये पर एनम, यानी कि 20,00,000 रुपये पर ईयर होता है, यानी कि 1 साल के उसको 20,00,000 रुपये मिल जाते हैं। और रेजिडेंट मैनेजर जो होता है उसकी 11,00,000 एक साल की होती है। और एग्जीक्यूटिव चेफ जो होता है, जो खाना बनाता है चेफ एग्जीक्यूटिव, उसकी 10,00,000 पर ईयर भी सैलरी होती है। साथ ही हाउसकीपर जो होता है उसकी भी 10,00,000 रुपये ही होती है। और फूड एंड बिवरेज मैनेजर जो होगा उसकी भी 10,00,000 रुपये सैलरी सालाना होगी। साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर जो होगा उसकी भी 5.5 लाख पर ईयर इसकी इनकम होगी। और फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो होगा उसकी 5,00,000 रुपये पर साल के हिसाब से उसको दिए जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होगा उसको 3.3 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं। और हाउसकीपिंग करने वाले को 1.8 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों हमने बात की सैलरी की, मतलब इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अगर आप होटल मैनेजमेंट में रुचि रखते हो तो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए मुझे नीचे कमेंट करें।